उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में कुल 2 लोकसभा और 13 विधानसभा सीटें आती हैं। इन विधानसभा सीटों में से एक है बिठूर। बिठूर विधानसभा सीट कई मायनों में इस क्षेत्र के लिए अहम सीट है। पहली बात तो ये कि यहाँ से जो विधायक रहता है उसका कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों से कनेक्ट रहता है। बिठूर का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी एक गहरा जुड़ाव है। ये नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे की धरती है। गंगा किनारे यहाँ एक अच्छा टूरिज्म भी है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये कानपुर नगर की सबसे बड़ी विधानसभा सीट में से एक है। 2 जुलाई 2020 के बाद से बिठूर एक और वजह से खबरों में रहता है। ये वजह है बिठूर विधानसभा का एक गांव, गांव बिकरू। वही बिकरू जहाँ का रहने वाला था बदमाश अपराधी विकास दुबे। आज बात कानपुर की इसी विधानसभा सीट बिठूर की। बिठूर सीट पर 2012 में समाजवादी पार्टी के मुनींद्र शुक्ला जीते थे। उन्होंने बसपा के राम प्रकाश कुशवाहा को 671 वोट के बेहद नज़दीकी अंतर से हराया था। मुनींद्र शुक्ला को 61,081 वोट मिले थे, जबकि राम प्रकाश कुशवाहा को 60,410 वोट मिले थे। उन चुनावों में नंबर 3 पर रहे थे कांग्रेस के 28 साल के युवा प्रत्याशी अभिजीत सिंह सांगा। उन्हें करीब 52,000 वोट मिले थे। अभिजीत सिंह सांगा ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू सपा के साथ किया था और फिर वहां से कांग्रेस में आए थे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद वे कानपुर ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सांगा ने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। यही उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में अभिजीत सांगा ने बिठूर से जबरदस्त जीत दर्ज की। उन्हें करीब करीब 50% वोट शेयर मिले। सांगा को 1,13,000 के करीब वोट मिले। वहीं सपा के मुनींद्र और बसपा के राम प्रकाश 53,54,000 वोटों तक ही सिमट गए। बिठूर विधानसभा सीट पर ओबीसी वोटों की अच्छी संख्या रहती है, ब्राह्मण वोट भी ठीक ठाक हैं। बीजेपी ने एक बार फिर सांगा को टिकट दिया है। सपा का भी मुनींद्र शुक्ला पर भरोसा कायम है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस बार इस सीट से प्रत्याशी बदल दिया है और यहां से उतारा है रमेश यादव को। अभिजीत सांगा की लोकप्रियता के सामने सपा का पुराना भरोसा और बसपा का नया दांव कितना काम करेगा ये पता चलेगा 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इससे पहले 20 फरवरी को बिठूर की विधानसभा सीट पर होगी वोटिंग। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।